कोई कंप्यूटर लाइन से है? ग्रेट। हार्ड डिस्क होती है? ग्रेट। तो हार्ड डिस्क होती है, उसमें कुछ जीबी का डाटा होता है। ग्रेट। हमारे शरीर में, हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी थिंकिंग प्रोसेस है। अभी मैं अगर आपसे सवाल करूं, आप अपने स्कूल का याद कीजिए कि आप कौन सी शर्ट, कौन सी पैंट या कौन सी निकर पहन के स्कूल में किस टीचर के पास जाते थे? आई एम श्योर विद इन वन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, नॉट वन सेकंड, इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यू रीच द स्कूल फ्रेम बना देगा आपके दिमाग में। अभी मेरे बोलने के जैसे ही शब्द खत्म हुआ फ्रेम बन चुका था। सो हमारे माइंड में न्यूरॉन्स हैं। कितने न्यूरॉन्स हैं? गूगल सर्च करिए, आजकल सब पिटिशन है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। बिलियन मींस करोड़ों में, तो करोड़ों में चीज चलेगी। 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी, ये भी गूगल बता देगा आपको, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, 1 मिलियन मेगाबाइट। जो हम हार्ड ड्राइव की बातें करते हैं, 100 जीबी, 200 जीबी, सो पावरफुल कंप्यूटर है हमारे पास, लेकिन हम सिर्फ बैठ के सोचते हैं यार अंबानी कैसे करोड़पति बन गया, हम नहीं बन पाए, हमारा बच्चा क्यों नहीं ग्रो हो पाया। अरे हम अपने बच्चों को करोड़पति नहीं होना देना चाहते। आज स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, कितने लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, आई थिंक वी फील कि जो लोग इसमें जा रहे हैं ना, पता नहीं क्यों जा रहे हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग ऐसी कॉन्फ्रेंसों को अटेंड करते हैं, दे आर डेफिनेटली इंटेलिजेंट पीपल, कहीं ना कहीं माइंड उनका उस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अपने माइंड को डेवलप करना चाहते हैं, एक पेरेंटल जो चीजें हैं चेंज करके बच्चों को नया एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। आई थिंक वी टॉक अबाउट माइंड।